इमरजेंसी रास्ता है, वो इमरजेंसी रास्ता खोला गया है, कोई एम्बुलेंस वगैरह आ जाए चले जाए इसलिए रास्ता खोला गया है वो, ठीक है। सरकार जो अपने मंसूबे चल रही है, जो चाल चल रही है, वो अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है आज। जैसे इन्होंने पहले रास्ते बंद कर रखे थे, हम लोगों ने पूरे देश को बताया कि किसानों ने रास्ता बंद नहीं करा। अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने कल अपना रास्ता दिया खोल। अब बात क्या आई, बीमारी आ गई, अगर जब यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या करेंगे, कौन सा प्रहार करेंगे, क्योंकि सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर लिए आंदोलन को खत्म करने के चक्कर में। तो अब किसान दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, सरकार इस तबके में है। अब किसान जाएगा तो उसे गोलियों से मारेंगे, बहुत बड़े षड्यंत्र है। मैंने पूछना चाह रहा है सरकार से, तुमने ये विवाद के रास्ते तो खोल दिए, ये बातचीत के रास्ते किस दिन खुलेंगे? ये बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खोलते? ये लड़ाई झगड़े के रास्ते खोल देंगे, तानाशाही के रास्ते खोल देंगे, लोगों को मारने के रास्ते खोल देंगे, लेकिन लोगों को वार्षिक जो बात हो जाए किसानों की, जो बिल पे बात हो जाए, उन रास्तों को नहीं खोलने गए। ये ऐसा आखिर क्या है भाई सरकार के पास? बालियान जी, जनवरी में आपसे वार्ता हुई थी सरकार की, और दूसरी जनवरी आ रही है, आपको भी एक बार भी नहीं बुलाया वार्ता के लिए। वही तो कह रहे हैं, हम नहीं तो कह रहे भाई, एक बात बताओ, कथी तो लखीमपुर पर गाड़ी चढ़वा देंगे, ठीक है, कल अमित शाह वहाँ खड़ा होगा अपना नुटोरा वहाँ बदमाशू के अलावा, हाँ डाकू है लुटेरा नहीं है, डाकू उसके पीछे खड़ा, बदमाश उसके पीछे खड़ा, आ जाए टैनी उसे निकाल नहीं रहा, वो उसके पिछले तरफ खड़ा, क्योंकि सारे बदमाशों को तो सबसे बड़ा बदमाश कौन, सबसे बड़ा बदमाश है अमित शाह, तड़ी पार रहा देश का गृह मंत्री, सारे बदमाशों को अपने साथ ले रखे, जब सारे बदमाश अपने पीछे खड़े कर लिए, मैं यहाँ खड़ा होगा लाइन में सबसे आगे, सारी लाइन से मेरे बाद में, तो इधर कहाँ चमकेगा बदमाश, इधर कहाँ से आ जाएगा बदमाश, बताओ, सारे बदमाश तो मेरे पीछे हैं, अब मुड़ के देखो मुझे भी तो नजर आओगा। जो मांग स्टार्टिंग में शुरुआत में करी थी अजय टैनी के खिलाफ, वो कहाँ सख्त रवैया है आपका? कितने सारे आपने कहा था कि आप लखनऊ जाएंगे फिर ये करेंगे, जब तक लखनऊ में पंचायत रखी गई थी लेकिन वो कैंसिल कर दी गई थी। बात यह है किसान अपनी बातों पर अड़ गए, अजय टैनी का इस्तीफा होना चाहिए, किसानों की यही मांग है, जहाँ भी पंचायत होगी वहाँ भी यही बात है। पर यह बात इस सरकार को भी सोचनी चाहिए, इस सरकार ने के कान और आंख दोनों बंद कर लिए। भाई एक बात बताओ, जब मेरा पिताजी देश का राज्य गृह राज्य मंत्री होगा तो मेरे खिलाफ कौन जांच कर देगा? अब उसे तो अमित शाह अपने साथ में खड़ा बराबर में खड़ा कर रखा, और उसका उसकी जांच हो जाएगी? नहीं हो सकती, निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने तो एक चीज़ बना ली हिटलर शाही। जैसे एक टाइम में हिटलर ने क्या काम करा था, अगमुर्गे को ले गया था पकड़ के अपनी संसद भवन में, और उसमें जाकर के क्या काम करे, उसके सारे पंख नोच दिया, खून काट दिया उसका पूरा, उसके बाद जाकर के कह लगे क्या करा, कह लगे जनता है, उसने दाने गिरे वो साथ साथ चल दिया। तो वही काम या भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर कर रही है, ताकि देश का आदमी भूखा मरे, और भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। किसानों के पास एक चीज थी कि किसान के पास एक समाधान था कि वो देश की जनता को भूखा ना मरने दे, क्योंकि वो पेट के लिए अनुगाना जानता है। अब इन्होंने क्या काम करा, किसानों के ऊपर भी इन्होंने पहरा लगा दिया, किसानों को भी खत्म करने का इन्होंने काम कर लिया, किसानों को कभी आतंकवादी बना दिया, कभी खालिस्तानी बना दिया, कभी देशद्रोही बना दिया। और मैं कहना चाह रहा इस देश की सरकार को, ये जो ये देश का किसान है, इस देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर इस रीढ़ की हड्डी में अगर जरा सा भी बाढ़ आ जाए तो व्यक्ति नहीं चल सकते, देश तो क्या चलेगा। बालियान जी, क्या किसान संगठन है जो आपके करीब 40, उनमें फूट पड़ी हुई है क्या? जिस तरह कौन योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया, चढ़ूनू साहब को भी सस्पेंड किया था, ऐसा नहीं होता। हाँ। ये बात ये नहीं है कि भाई इसके अंदर फूट पड़ेगी, क्योंकि सरकार का तो काम है फूट डालो राज करो, ये तो जानबूझ के प्रचार करेगी। यार मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ हूँ पिछले 11 महीने से, मैं यहाँ पे हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, अगर मैं अपने संगठन के खिलाफ चलकर का कोई फैसला लूंगा तो मुझे क्यों नहीं बाहर करेंगे? भाई वो तो एक टाइम सीमा है, अगर किसी पार्टी के साथ किसी आदमी ने दगा कर दी तो उसे भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसे भी कह दिया 1 महीने के लिए बाहर है, तो इसका मतलब थोड़ा फूट पड़ेगी। भाई गलती करें, माने टिकट साहब ने गलती करी, वो भी है, हर कोई है, उसके अंदर चढ़ूनी जी भी है, हर कोई है। भाई जो कोई आदमी संगठन के विरुद्ध चलेगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, एक समिति बनी हुई है पूरी की पूरी, अगर उसके खिलाफ जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। तो उसमें उसका क्या, उसका मतलब क्या आ गया भाई, हमारे अंदर फूट पड़गी, यह गलत बात है, या देश में दुष्प्रचार करा जा रहा? किसान संगठन एक के एक थे, संयुक्त किसान मोर्चा आज भी मजबूत है, अपने दाऊ पर मजबूत खड़ा है, अपनी बातों पर मजबूत खड़ा है। बालियान जी, जिस तरह से आपने वहाँ से यू टर्न ले लिया कि 26 को आपकी पंचायत नहीं हुई लखनऊ में, आपने जो वो भी कह रहे थे कि सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए गृह राज्य मंत्री को, क्या योगी सरकार से डर गए हैं किसान? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं थी भाई, उस टाइम ना मौसम खराब हो रहा था, क्योंकि जिस दिन उससे 2 दिन पहले यहाँ से आपूर्ण में पंचायत थी, तो वहाँ से क्या काम करा, रास्ते में गए, बारिश इतनी तेज होगी पूरी पंचायत खराब हो गई थी, उस समय मौसम का मिजाज ठीक नहीं था, उस समय जब रास्ते में टिकट साहब को वापसी आना पड़ा, उसी वजह 26 तारीख की पंचायत को कैंसिल करा था।
अब भाई मौसम खराब है, बरसात आ रही है, ना तो किसी सरकार से डर का बंद करा हमने, ना किसी प्रशासन से डर का बंद करी हमने अपनी पंचायत, हमने पंचायत करी थी भगवान से डर के, मौसम से डर के, क्योंकि हमें पता था वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। बलियान जी, जैसे जैसे चेंज होते हैं मौसम, गाजीपुर आंदोलन पे कहते हैं कि कूलर आएंगे, गर्मी आई है, बरसात आई है तो पन्नी लगाएंगे, लेकिन जाड़े आ रहे हैं, आपके टेंट खुलने की सूचना मिल रही है, कहाँ से मिलेगी सूचना? अखबारों में मारे दो रिजाई कम्बल धरे पिछले साल वाले, इसी हमें क्या दिक्कत है यार, सरकार का हो जाओ या गोदी मीडिया का हो जाओ, उसके कहने से क्या है, इस सरकार का तो क्या काम है, इस सरकार का तो काम है अब किसी ना किसी ढाल से इस आंदोलन को बदनाम कर दो, रुपये खर्च करें इस चीज़ के ऊपर, ऊँ नहीं हो रहे बदनाम किसान। और भाई बात यह है, जो टेंट खुलने वाली बात है, टेंट जब टिकेट साहब आ जाएंगे जी आदेश होगा, टेंट खुल के घर नहीं जाने गए, ये टेंट खुल के दिल्ली तो जा सके, ये टेंट खुल के घर नहीं जाएंगे यहाँ से। सर दिल्ली तो 26 जनवरी गए थे, कुछ असर नहीं पड़ा सरकार, तो टेंट खोल के तो ले गए थे ना, वो तो एक प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घिनौनी चाल चली और इस आंदोलन को बदनाम करा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था उस दिन वो, क्योंकि इस देश में इस भाजपा ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा ताकि इस देश को बर्बाद करने का काम करा, इस देश के किसान को बर्बाद करने का काम करा, सिख कौम को बर्बाद करने का काम करा, उसे बदनाम करने का काम करा, उसके बाद लखीमपुर खेड़ी के अंदर गाड़ियां चढ़वा दी गई, उसके बाद वासिक एक सिंधु बॉर्डर पर एक बेचारे गरीब मजदूर आदमी का हाथ कटवा कर हत्या करवा दी गई तालिबानी तरीके से, तो ये सरकार का ही तो काम है, उसके बाद जाकर के फिर दूसरे संगठन को सामने खड़ा कर दिया, क्या लगा भाई हमन करने के लिए आ रहे, क्या तरीका है वो भाई, एक एक दीवार है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दो अटक जाएगी, तो ये सरकार का आखिरी हथियार होता है आंदोलन को खत्म करने का, आज के समय जो इन्होंने ये काम कर रखा है, जो इन्होंने वे आदमी बैठाए, ये सबसे आखिरी हथियार है सरकार का, और इस हथियार से या हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जीत कर तो लड़ाई जीतते पड़े, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग खड़ी करनी, वो कर रहे हैं ये लोग। सर टिकैत साहब ने बयान दिया था कि यदि ये रास्ते खुल जाते हैं पूरी तरह से तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली तो सर आप कई बार गए हैं, आपने दिल्ली में संसद भी चलाई, आप दिल्ली में ट्रैक्टर भी ले गए थे, आपने भारत बंद कर लिया, आपने रेलवे बंद कर लिया, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा सरकार पे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रास्ते खुलने चाहिए, किसानों ने अपने रास्ते खोल दिए थे, लेकिन उसके बाद बात आती है दिल्ली जाने की, हमें संविधान ने एक अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन की जगह कहाँ है सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्धारित करे, वो जगह बना रखी है जंतर मंतर, हम वहाँ जाएंगे या हमें संसद भवन पर जगह दे या हमें इंडिया गेट पर जगह दे, तो इसका मतलब ये थोड़ा एक बार रास्ते खोल दे तो यहीं बैठे रहेंगे किसान, हमें यहाँ बताओ हम कहाँ बैठ करके आंदोलन करें। सर क्या लग रहा है, क्या वाकई में कमजोर है क्या आंदोलन, जो जिस तरह से लोग घट रहे हैं, जो गाजीपुर आंदोलन कमजोर कहाँ है भाई, मुझे बताइए, मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ बैठे तो हम हैं मुट्ठी भर किसान, इस गोदी मीडिया के लिए भी सरकार के लिए भी, और हम जो दिल्ली जाने की बात कहें नुगा ये तो लाखों किसान है, माहौल खराब कर देंगे दिल्ली का, यार कौन सी बात सच है, हम मुट्ठी भर है या लाखों है, हम समस्या तो उस बात की है ना। सर 2022 आ रही है करीब 3 महीने बाद, आपकी आय दोगुना हो जाएगी, मोदी सरकार ऐसा कहती है। हाँ कर तो दिया एहसान, थोड़ा बड़ा एहसान कर दिया गया, दोगुने खर्चे कर दिए, जब खर्चे दोगुने हो गए भाई अपने पेट का भोजन अदा करना पड़ेगा, उसी आमदनी में पूरा करना पड़ेगा, तनख्वाह वही है, आमदनी घटती जा रही, नुका दुगुनी आमदनी हो जाएगी, कहाँ हो रही दुगुनी आमदनी, खर्चे दुगुने हो गए, वही काम कर दिया जो कर लोग क्या कर रहे थे ना, कहला किसी आदमी को अपनी आमदनी बढ़ानी तो अपने खर्चे बढ़ा लो, तो वह आदमी क्या करा, अगर इन्हें दुगुनी आमदनी करनी जो हमारा MSP है उसे डबल कर दो, हो गई आमदनी डबल भाई, 1975 रुपये हमारे गेहूँ का रेट दे रहा है उसका डबल कर दो, जो हमारी मुंजी है उसका रेट डबल कर दो, बढ़ा लो तेल, हमें क्या दिक्कत है, अब तेल भी बढ़ा दिया, सारी चीज़ तो बढ़ा दी, बाहर आप अनाज खरीदने जाओगे वहाँ महंगा मिलेगा, गैस महंगी मिलेगी, देश में बच क्या आ रहा भाई। सर आप कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप कह रहे हैं अनाज महंगा हो जाएगा, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं महंगा, पेट्रोल भी महंगा खरीदते हैं, विरोध कोई नहीं कर रहा है भाई, विरोध क्यों नहीं कर रहा नो बताओ, हर 25 तारीख को पूरे देश के अंदर एक ही चीज़ होता है जागरूकता अभियान, आप कभी कनाट प्लेस में जाकर के देखो भाई, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के देखो, हर जगह देश के अंदर कहीं ना कहीं पुतले फूकते हैं लोग, हर 25 तारीख को विरोध करते हैं देश की महंगाई का। और रही बात तेल की, तेल गिरवाना मजबूरी है, अगर किसान अपने ट्रैक्टर में तेल नहीं गिराएगा तो खेत को कैसे जोतेगा, अगर आप लोग बाइक से यहाँ तक आए, अगर आप लोग अपनी बाइक में तेल नहीं गिरवाओगे तो कैसे यहाँ तक पहुँच पाओगे, वह मजबूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी के लिए बर्डन बनी होती है, जो ज़रूरी होती है, ज़रूरी सामग्री कभी महंगी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत है और इस ज़रूरत को समाप्त नहीं किया जा सकता, फ़ोन हो सकता है, फ़ोन आदमी सस्ता खरीद सकता है, गाड़ी आदमी सस्ती खरीद सकता है, लेकिन तेल ज़रूरत है, मोटरसाइकिल में भी तेल चलेगा, रोटी आवश्यकता है पेट की, पेट की रोटी के बिना नहीं रह सकता आदमी, और ये क्या काम कर रहे, जो जरूरतमंद का सामान है उसे महंगा कर रहे, पेट की रोटी पे ताला लगा रहे कारपोरेट का, कारपोरेट की पट्टी पेट पर लगा रहे, और उसी काम को ये कर रहे, खाने के तेल पे पैसा बढ़ा रहे, अगर जो हमारे
तेल है, पेट्रोल है, जो डेली आवश्यकता वस्तु है, उस चीज को इन लोगों ने डबल तिबल रेट कर दिया। मैं तो कहना चाहूँ नंद भक्त, तू एक व्यापार कर लो तुम, बहुत बढ़िया। थारे दौरे इला तो कोई है नहीं, सिर्फ भाजपा की पोस्ट घेरने के सिवा, उस पर कमेंट करने के सिवा कोई और काम ही नहीं है नहीं। इससे बढ़िया एक काम कर लो, आज शाम को तेल खरीद लो और तड़की को 35 पैसे के प्रॉफिट में बेच दो। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, 1% का कमीशन मिलेगा, इससे बढ़िया क्या होगा और।